अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब के? आई होप कि सब ठीक होंगे। और इस वीडियो में आपको मैं ड्रेसेस दिखाऊंगी जिस तरह मैंने स्टिच करवाए हैं, आप लोग भी इस तरह की डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा हेवी कपड़े तो नहीं लिए, लेकिन सिंपल लिए हैं और सिंपल ही सिलवाए हैं। अगर आपको अच्छे लगें तो आप भी सिलवाइएगा। और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ये कलर बहुत प्यारा लगता है समर्स में। और अब हम इसकी डिटेलिंग देखेंगे कि मैंने इसको किस तरह स्टिच करवाया है। सिंपल मैंने इसके नेक पर बटन्स लगवाए हैं और नेक पर मैंने पाइपिंग लगवाई है। और ये देखें, इसके दामन पे मैंने छोटे छोटे टसल्स लगवाए हैं। और ये है इसका ट्राउज़र, इसके ट्राउज़र पे पेच लगवाए हैं जो ड्रेस के साथ ही आए थे। और मैं अब आपको नेक्स्ट ड्रेस दिखाती हूँ अपना, कि मैंने वो किस तरह स्टिच करवाया है। और ये है नेक्स्ट, जो कि सफ़ायर का है। ये ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लगा है, इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा है। हैं इसको किस तरह स्टिच करवाया है ये देखें, मैंने इस पर कॉलर लगवाया है और पाइपिंग लगवाई है साइड पर। इसके जो बटन्स हैं वो बहुत प्यारे हैं, छोटे छोटे बहुत क्यूट क्यूट से बटन्स हैं इसके, कलरफुल से। आप लोग चाहें तो ऐसा ड्रेस स्टिच करवा सकते हैं। ये ओपन शर्ट की तरह है लेकिन ये साइड से खुला है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसका ट्राउज़र मैंने बिल्कुल खुला सिलवाया है, बेल बॉटम। और इसका दुपट्टा भी देख लेते हैं, इसके दुपट्टे का प्रिंट बहुत ही प्यारा है। ये इसका दुपट्टा है। सो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा इन दोनों ड्रेस में से आपको कौन सा ड्रेस ज़्यादा प्यारा लगा है और किसका प्रिंट ज़्यादा प्यारा लगा है। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी और इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। उससे पहले जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को देखा भी करें और कमेंट्स भी किया करें।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।